दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप जानेंगे भगवान श्री कृष्ण के द्वारा श्रीमद् भगवद गीता में बताए हुए श्लोक जो हम सबको जीवन का सही अर्थ समझाते हैं, ताकि हमें यह मालूम हो सके इस जीवन का असली मकसद क्या है, वास्तव में जीवन जिया कैसे जाता है। दोस्तों, हिंदू धर्म में अगर ग्रंथों की बात की जाए तो श्रीमद् भगवद गीता ही एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें जीवन से जुड़ी सभी समस्याओं का समाधान पाया गया है। गीता सिर्फ हिंदुओं की ही नहीं बल्कि ये इस धरती के सभी मनुष्यों को एक नई दिशा देने वाला ग्रंथ माना जाता है। तो आइए अब जानते हैं भगवद गीता के वो महत्वपूर्ण श्लोक जो हम सबको जीवन का सही अर्थ समझाते हैं। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं, अर्जुन, इंसान का कर्म ही सबसे बड़ा धर्म है। आप कर्म अच्छे करते रहिए, परिणाम अच्छा ही होगा। फल की अभिलाषा छोड़कर कर्म करने वाला पुरुष ही अपने जीवन को सफल बनाता है। और भगवान श्री कृष्ण से मिली दूसरी सी क्रोध है। क्रोध से ही भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि व्यग्र होती है, बुद्धि के व्यग्र होने से तर्क नष्ट हो जाता है, जब तर्क नष्ट हो जाता है तब वहीं से व्यक्ति के पतन की शुरुआत हो जाती है। और तीसरी ज्ञान की बात है भरोसा। भरोसा खुदा से भी ज़्यादा खुद पर होना चाहिए। अगर भरोसा खुदा पर ही रखोगे तो वही पाओगे जो उसने लिखा है, अगर भरोसा खुद पर रखोगे खुदा भी वही लिखेगा जो आप चाहोगे। और चौथी ज्ञान की बात है मन। मन को अपने वश में रखो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो खुद अपने मन को अपने वश में नहीं रख पाते उनके लिए वो शत्रु के समान कार्य करता है। हो सके तो अपने मन को अपने वश में रखो। और भगवान श्री कृष्ण के द्वारा बताई हुई पांचवी ज्ञान की बात है दिखावा। जितना दिखाते हो उससे अधिक तुम्हारे पास होना चाहिए, जितना जानते हो उससे कम ही बोलना चाहिए, क्योंकि दुनिया आपके दिखावे से नहीं काम से पहचानेगी। और छठी ज्ञान की बात है निंदा। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि कभी लोगों की निंदा से घबरा कर अपना रास्ता मत बदलना, क्योंकि सफलता शर्म से नहीं साहस से मिलती है। और सातवीं ज्ञान की बात है खुद की तारीफ स्वयं खुद ना करो। तारीफ अपने आप की करना फिजूल है, खुशबू तो खुद ही बता देती है कि ये कौन सा फूल है। और गीता में बताई हुई आठवीं ज्ञान की बात है अनुशासन। सदैव अनुशासित रहिए, क्योंकि अनुशासन ही इंसान को महान बनाता है। पिता के द्वारा डांटा गया पुत्र, गुरु के द्वारा डांटा गया शिष्य और सुनार के द्वारा पिटा हुआ सोना आभूषण ही बनेगा। और गीता में बताई हुई नौवीं ज्ञान की बात है कि जिंदगी में जो कुछ भी करना है खुद के भरोसे और अपने दम पर कीजिएगा, गैरों के भरोसे नहीं, क्योंकि लोग कंधों पर तभी उठाते हैं जब मिट्टी में मिलाना हो। और भगवान श्री कृष्ण से मिली दसवीं सीख, अगर हो सके तो लोगों पर ये तीन एहसान कीजिएगा। पहला, अगर किसी का कोई फायदा नहीं करा सकते हो उसको नुकसान भी ना पहुँचाएँ। और दूसरा, अगर किसी को खुशी नहीं दे सकते हो उसे दुख भी ना पहुँचाएँ। और तीसरा, यदि आप किसी की तारीफ नहीं कर सकते हो उसकी बुराई भी ना करें। और ग्यारहवीं ज्ञान की बात है दुनिया के तानों से कभी नाराज मत होना, अनजान लोग तो हीरे को भी कांच समझ लेते हैं। और बारहवीं ज्ञान की बात जो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बतलाया है कि हमें कुछ लोग ऐसे भी मिले जो जिंदगी में साथ बैठकर हंस गए और वही लोग मौका पाकर पीठ पीछे डस गए। और गीता की तेरहवीं ज्ञान की बात है मृत्यु। जन्म लेने वाले के लिए मृत्यु उतनी ही निश्चित है जितना कि मृत्यु होने वाले के लिए जन्म लेना, इसलिए जो टाला नहीं जा सकता उस पर शोक मत करो, होनी होकर रहती। और चौदहवीं ज्ञान की बात है बातें नहीं काम बड़े करो, क्योंकि लोगों को सुनाई कम और दिखाई ज़्यादा देता है। और पंद्रहवीं ज्ञान की बात है रिश्ता। रिश्ता होने से रिश्ता नहीं बनता, रिश्ता निभाने से रिश्ता बनता है। दिमाग के बनाए रिश्ते बाजार तक चलते हैं और दिल से बनाए रिश्ते आखिरी सांस तक चलते हैं। इसीलिए रिश्ते और रास्ते एक सिक्के के दो पहलू कहे गए हैं। कभी रिश्ते निभाते हुए लोग रास्ते बदल लेते हैं तो कभी रास्ते पर चलते हुए रिश्ते बदल देते हैं। और सोलहवीं ज्ञान की बात है परोपकारी बनिए, क्योंकि जो दूसरों को हंसाने के लिए हंसते हैं भगवान उनको कभी रोने नहीं देते। दोस्तों, अगर इन विचारों में से कोई एक विचार आपके दिल को छू गया हो तो हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। और यदि इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करते हुए चैनल को भी सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। मैं हर रोज़ ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो आपके लिए हाजिर करता रहूँगा। धन्यवाद।